खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब की बार जनता में बीजेपी को लेकर काफी उत्साह है। केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपए हर साल किसानों को देती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी आंकड़ों को पार कर एक तरफा जीत हासिल करेगी। दमनदीप जैसी जगह पर भी बीजेपी ने जीत हासिल कर जगह बना ली है, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह का, जो स्थानीय छोटूराम धर्मशाला में पार्टी पदाधिकारियों व अपने समर्थकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली 16 अगस्त को जींद में होने जा रही है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में जो फैसला हुआ है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने भी माना है कि सकारात्मक फैसला हुआ है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा, अगर बड़ा कोई धमाका करना है तो कांग्रेस को छोड़कर ही हो सकता है, अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेसी तो कितने ही धमाके करें, वो तो केवल छोटे फायर हैं। मैं पुराना कांग्रेसी हूं, मैं नहीं चाहता कांग्रेस का बोरिया बिस्तर जल्दी बंधे। केएनएन मीडिया के लिए रोहतक से विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। देखिए तैयारियां तो वैसे तो हम एक हफ्ता पार्लियामेंट में रहना पड़ा मेरे को, क्योंकि जो बड़े 370 और ये 3 तलाक थे, लेकिन अब पिछले 3 दिन से मैं लगातार घूम रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार जितना उत्साह आम जनसाधारण में है अमित शाह जी के लिए, जो उन्होंने काम किया है, उससे बहुत बड़ी भीड़ उमड़ के आएगी। और पहली बार मैं ये समझता हूँ कि वो अपने साधनों से आएंगे लोग, ये मेरा अपना मानना है। और इस रैली में जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि हम हमारे अध्यक्ष को जो मेंबरशिप फार्म है उनके वजन के बराबर मेंबरशिप के जो फार्म का वजन बनता है उनसे तोलेंगे। ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है जो शायद ही पहले किसी पार्टी ने किसी संगठन ने की हो। और दूसरा ये भी है कि जो खेती और किसान के लिए जो नए कदम उठाए हैं हमारी सरकार ने, खास तौर पे किसान को एक नई पहचान दी है 6,000 रुपये उसको देके, हरियाणा सरकार ने भी उसमें योगदान दिया, 6,000 हरियाणा सरकार फैमिली के रूप में देगी 6,000 रुपया साल का। और भारत सरकार जिस किसान का भी जमाबंदी में नाम है किसान होने का, वो उसकी एंटाइटलमेंट है, उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। तो 5 एकड़ में 15 आदमी भी हो सकते हैं और 15 एकड़ में एक भी हो सकता है। तो अंदाज़ा ये है हमारा कि कम से कम 60% जो जनसंख्या है देश की जो खेती पे निर्भर करती है, उनको ये एक रकम इतनी बड़ी हो ना हो वो नहीं, लेकिन एक विश्वास उनके मन में हमने जगाया कि खेती से हटके जो खेती करने वाला है, जिसको लोग अन्नदाता कहते हैं, अगर वो उसको कोई परेशानी है, दूसरों का पेट भरता है उसका पेट खाली रहता है, तो ये नाइंसाफ़ी है। तो सरकार ने एक पॉजिटिव एक अच्छा कदम ये उठाया और इसी का कारण है कि राहुल गांधी बाद में 72,000 बोलते रहे कि हम 72 देंगे, उनका किसी ने एतबार नहीं किया, क्योंकि जिस पार्टी का राज नहीं आना हो तो कितने ही बोल दो। और हमारे 2,000 की किस्त गई थी तो हमारे पे लोगों ने विश्वास किया, प्रचार भी हमारे खिलाफ बहुत हुआ कि तो एक किस्त दे के इनकार कर देंगे, लेकिन नहीं, हरियाणा सरकार ने 6,000 और मिलाए उसमें और 6,000 भारत सरकार ने, और 1,00,000 करोड़ रुपया हर साल हम केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये के रूप में देगी। सर अभी सर का दौरा फिर प्रधानमंत्री का, विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी है? विधानसभा की तैयारी तो देखो वैसे आप सही बारे में पूछो तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तैयारी काफ़ी हो चुकी थी, सारा 3-4 महीने का बीच का गैप है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें विधायक लोग भी और भी वो कह रहे थे हमारे काम की रफ्तार तेज़ होनी चाहिए, सब की ये थी कि 4 महीने में सारा काम हो जाए तो और अच्छा है।
तो उसमें भी रफ्तार पकड़ी है हमने। और जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा। आप मेरे से ये कहोगे कि 75 वाली बात कहाँ तक सच्ची है, मैं आंकड़ों की राजनीति नहीं करता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा बहुमत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 18 अगस्त एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, तो जिसमें 18 तारीख को एक बड़ा धमाका होने की संभावना बताई जा रही है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। हाँ देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं साफ। और हुड्डा जी ही वैसे तो मेरे से भी बातचीत करते रहते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है ये कि धमाके का मतलब तो ये है कि अगर वो कांग्रेस से अलग होके कुछ सोचते हो तो वो धमाका है। कांग्रेस में तो रहे जितना ही धमाके करो तो छोटे फायर हैं। एक चौधरी साहब, आपने राहुल गांधी का नाम लिया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने के लिए एक मंथन चल रहा है पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, क्या मानते हैं कि राहुल गांधी दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या किसी और नेता के हाथ में कमा लेंगे? नहीं देखिए, अब कांग्रेस में एक द्वंद है इस बात का कि नेहरू गांधी परिवार से हटके कोई नेता ऐसा नजर नहीं आता उनको जो कांग्रेस की कमान संभाल ले। और नेहरू गांधी परिवार ये मानता है कि हम राजनीति से दूर रहेंगे तो शायद कांग्रेस का रिवाइवल हो जाए, तो इस चीज़ का फैसला तो वो वहीं बैठ के करेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है साल में 2 साल में फिर कांग्रेस से ये आवाज़ उठे कि उन्हीं को सौंप दो कांग्रेस, लेकिन आज के दिन कांग्रेस में ऐसा माहौल नहीं है। और इस आप जो धारा 370 का जो अमित शाह जी ने फैसला लिया है उसमें आपने देखा होगा कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता ये बात कहते हैं कि पहली बार हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मामले में एक सकारात्मक फैसला हुआ है। तो अब ये है, अब स्थिति क्या बनती है वो तो कांग्रेस ने सोचना है। बाकी मैं पुराना कांग्रेस हूँ, इसलिए मेरे को, मैं ये भी नहीं चाहता कि इसका पार्टी का बोरिया बिस्तर इतना जल्दी बन।